राज्यसभा के लिए पार्टी कल विचार करेगी, पार्टी की कल मॉर्निंग मीटिंग है और मीटिंग के बाद हम लोग घोषणा करेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जितने दिन सदन नहीं चला, कितना आम जनता का प्रश्न बाधित होता रहा, कितना आम जनता का प्रश्न भरे होता रहा? इसको टोटल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने दिन हाउस चला, माननीय विधायक के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्र की समस्याएं, ऐसे नीतिगत प्रश्न जरूर रहे होंगे जिसकी एक क्षति हुई है। ये जेपीएससी के मामले से आप लोग संतुष्ट हुए क्योंकि जो आरक्षण है वो आरक्षण कम लोगों को? नहीं, जेपीएससी में जो मापदंड होना चाहिए था जो पिछले ई में नहीं हो पाया, ये उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का और सरकार की नियमावली में आरक्षण को लेकर बदलाव की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहे, ये पहले गवर्नमेंट आने दीजिए, लेकिन छठी पर उनका राय कुछ भी नहीं आया जो दुखजनक है। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल सर ये है, अभी बोला गया है कि डीवीसी जो कह रहा है 18 घंटा हम बिजली कटौती करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में फिर जो है फेडरल स्ट्रक्चर में तकरार की स्थिति है, ये कह रहे हैं कि भाई जानबूझ के परेशान किया जा रहा, नॉन रूल्ड बीजेपी स्टेट है इसलिए परेशान किया जा रहा, बिजली कटौती हो रही है इसके वजह से, फेडरल हमारा भी पैसा बहुत बाकी है केंद्र से। फेडरल सिस्टम में एक जॉइंट दायित्व होता है और कॉमन एक सहमति से चीज़ें चलती है, निश्चित रूप से बिजली में एक बड़ा बकाया है और इसको लेकर राज्य सरकार को त्वरित पहल करना चाहिए और उसे उस कर्ज से निकलने का प्रयास भी करना चाहिए। और भारत सरकार के पास ऐसे कोई भी लंबित विषय है जो हमारे लिए भुगतान होने की राशि जो है, चाहे कोल में हो या अन्य जगह पर, उसका भी नियमित भुगतान राज्य को हो ताकि वित्तीय प्रबंधन में राज्य सरकार को सुविधा होगी। हमने कहा कल पार्टी की मीटिंग है और कल तय करेंगे।